स्थान और मेरा नाम है आदित्य झा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस बुलेटिन में। उदयपुर से आपको हम बताते चलें कि आदमखोर लेपर्ड की तलाश लगी हुई है। लगातार घरों के आसपास ये लेपर्ड जो है दिख रहा है। बुजुर्ग महिला के शिकार की जगह ये लेपर्ड फिर से दिखा है। छाली उमरिया में महिला के पीछे भागा ये लेपर्ड और वन विभाग की टीम लेपर्ड का पीछा कर रही है। तो जहां तेंदुए के होने की सूचना है वहां वन विभाग का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हम आपको बता दें आदमखोर पैंथर का मामला है। निगरानी कर लौटा आर्मी का ड्रोन और पैंथर को ढूंढने में आर्मी का ड्रोन भी नाकाम ही रहा है। पैंथर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। उदयपुर जिले के गोगुंडा तहसील के छाली ग्राम पंचायत में आदमखोर पैंथर का आतंक मचा हुआ है, अभी भी मचा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे तमाम वहां पर लोग, आर्मी के भी लोग लगे हुए हैं, तमाम वहां पर ग्रामीण लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक ये जो तेंदुआ है वो इनके हाथ नहीं लगा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर जो है आर्मी का ड्रोन है जो निगरानी जिसने रखी हुई थी, जो हर एक जगह देख रहा था, क्योंकि वाजिब सी बात है जंगल है, हर तरफ हरियाली है, हर कुछ हरा दिखता है। और ये जो तेंदुआ है ये अच्छे से अपने आप को छुपाए बैठा है और छुपा कर ये तलाश करता है। तलाश करने के बाद इसकी गर्दन तोड़ता है और उसे मौत की घाट उतार देता है। आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंचायत ग्राम पंचायत में आदमखोर पैंथर का आतंक मचा हुआ है। पैंथर ने 24 घंटे में दो लोगों का शिकार किया है, जिसमें एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कमला और 45 वर्षीय खुमाराम की मौत हो गई। तीसरा इसने भी हमला किया और चौथा हमला भी इसने कल किया। मुबारक खान हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पे। मुबारक, आपके पास क्या अपडेट हम देख पा रहे हैं, आपको भी तस्वीरों में क्या कुछ चल रहा है? अभी जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि जो आर्मी ड्रोन लाया गया था वो भी इस तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रही। हम बताएं इस पूरे मामले को लेकर कि अब तक जो तमाम जो स्थानीय प्रशासन है और रेस्क्यू जो ये सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है वन विभाग और स्थानीय प्रशासन का, इसमें कोई भी सफलता बीते 3 दिन, क्योंकि आज चौथा दिन है, 3 दिन हो चुके हैं और अब तक तो कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, ग्रामीण भी अब इस अभियान में जुट चुके हैं कि कैसे भी करके इस जो तेंदुआ है उसकी तलाश की जा सके, क्योंकि बीते 3 दिनों से आसपास के ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो अपने घरों में नहीं सो पाए, बल्कि छतों पर लोग सो रहे हैं, पूरा दिन वो बाहर तलाशी में बिता रहे हैं और स्कूली बच्चे जो है वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण भी परेशान है, भय के माहौल में वो लोग जी रहे हैं और इसी को लेकर आर्मी की एक टीम भी यहाँ पर पहुंची है, वो भी अपने ड्रोन और तमाम जो दूसरे माध्यम है उनसे इस तेंदुओं की जो वो है तलाश कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अब तक किसी भी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। जहां से भी अपडेट लगातार ग्रामीणों की ओर से दिया जाता है वहां पर वन विभाग की टीम पहुंचती है, लेकिन तब तक तेंदुआ वहां से निकल चुका होता है। लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा है और अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही इसकी पुख्ता जो जानकारी मिल जाएगी उसके बाद इसे जो है पकड़कर और फिर जंगल में छोड़ा जाएगा। बिल्कुल मुबारक, एक बात ये भी सामने आई थी जैसे हम अपने दर्शकों को कल बता रहे थे कि ये जो तेंदुआ है, अगर आप देखेंगे, अगर आप समझेंगे थोड़ा स्टेटिस्टिक्स से, तो ये 2 किलोमीटर के रेंज में ही घूम रहा है। 80 टीम वहां पर, 80 लोगों की टीम लगाई गई है, 2 किलोमीटर का ही रेंज है, तो फिर कहां पे कामयाबी नहीं मिल पा रही? देखिए आदित्य, इस तरह के ऑपरेशन पहले भी हुए हैं और जब जब जंगलों में इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो अपने आप में स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है, क्योंकि जो जंगल का एरिया होता है वो जंगली जानवर का खुद का गृह इलाका होता है और इंसानों के लिए वो अपने आप में वैसे ही चुनौती हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जंगली जानवरों का खतरा, दूसरी तरफ उसे पकड़ना। तो अब जो ट्रिपलाइज टीम आई है, हालांकि काफी अनुभवी जोधपुर की टीम भी है, राजसमंद की टीम भी है और उदयपुर की टीम भी है, लेकिन उनके निशाने पर अब तक जो है पैंथर नहीं आया है। और जब भी इससे पहले भी कई बार जब पैंथर को ट्रैकलाइज किया गया तो उसने जैसे ही डॉट होता है उसके बाद तुरंत उस टीम पर भी हमला कर देता है, तो वैसा कोई लक्ष्य और वैसी कोई चीजें अब तक यहाँ नहीं बन पाई है। तो ऐसे में उस टीम के लिए भी अपने आप में ये चुनौती है कि कैसे उसे जो है ट्रैकलाइज किया जाए। बिल्कुल मुबारक, तो एक तो चुनौती है टीम के पास, एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे ट्रैकलाइज किया जाए, और जैसे आप बता रहे हैं कि जब भी ट्रैकलाइज करता है तो तुरंत वो झपट्टा भी मार देता है, लेकिन अब दूसरा ऑप्शन क्या है मुबारक टीम के पास? देखिए तमाम जो टीमें हैं वो निश्चित रूप से अनुभवी हैं
और उनके लिए भी ये चुनौती है, लेकिन सभी टीमें लगी हुई हैं और आज देर रात भी जो है ये अभियान चलाया जाएगा, अभियान रोका नहीं जाएगा। हालांकि ये कहा जाता है पैंथर के लिए कि जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद वो अपने शिकार के लिए निकलता है, लेकिन यहाँ वन विभाग की टीम भी हार नहीं मान रही है, स्थानीय प्रशासन भी हार नहीं मान रहा है और वो भी अपनी टीमों को उसी तरीके से तैयार करके हथियारों से लैस करके टॉर्च देकर और तमाम जो दूसरे उपकरण होते हैं उनके साथ एक बार फिर से रात के समय जंगल में उन्हें भेजा जाएगा। बिल्कुल, और मुबारक वन विभाग के 80 कर्मचारी मैदान में हैं, वहां पर राजसमंद, उदयपुर और जोधपुर की टीम पूरी लगी हुई है। ये टीम आम जनमानस से क्या कह रही है, क्या अभी जैसा आप बता रहे थे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या टीम का क्या कहना है कि आप बाहर मत जाइए, बाहर नहीं निकलिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रही है टीम? देखिए, स्थानीय प्रशासन की ओर से आसपास के इलाके में जहां जहां आबादी वाला इलाका है वहां के ग्रामीणों को जो है इस पूरे मामले से को लेकर अवगत करा दिया गया है, क्योंकि ये भील और जो ग्रासिया जनजाति का बाहुल्य इलाका माना जाता है, ऐसे में इस जनजाति को समझाया गया है, यहाँ के ग्रामीणों को समझाया गया है कि बिना काम या किसी भी तरीके से जंगल की तरफ नहीं जाएं, अपने जो पशु पक्षी हैं उन्हें भी चराने के लिए बाहर की तरफ नहीं ले जाएं। तो ये सारी गाइडलाइन उनकी ओर से जारी की गई है और झुंड में चलने की बात कही गई है, जो भी लोग खेती करते हैं उन्हें भी झुंड में रहने की गाइडलाइन जारी की गई है और हर जगह जो वन विभाग के कर्मचारी हैं ग्रामीण इलाकों में उन्हें तैनात किया गया है ताकि कोई भी अगर मूवमेंट हो पैंथर का तो वो सबसे पहले सूचना जो है अपनी टीम को दे सके। चलिए ठीक है, मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आदमखोर लेपर्ड की, तेंदुए की तलाश में सब जुटे हुए हैं, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि कैसे हमारे संवाददाता मुबारक खान, उन्होंने भी बताया कि वन विभाग के 80 कर्मचारी मैदान में वहाँ पर डटे हुए हैं। उदयपुर DFO अजय चित्तौड़ा ने बताया है कि पैंथर ने अब तक 4 लोगों की जान ले ली है, इसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए 3 टीमें तैनात की कर दी गई हैं। ये टीमें जो हैं वो उदयपुर की हैं, राजसमंद और जोधपुर की हैं। इसके अलावा वन विभाग के 80 कर्मचारियों को मैदान में भी उतारा गया है, इसके साथ ही तेंदुए को ट्रैप करने के लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने पहुंची है आर्मी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पहली तस्वीर आप देखिए आदमखोर पैंथर की तलाश में टीम जुटी है, 3 जगह से उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर की टीम, 80 लोगों की ये टीम जो तमाम जगहों को खंगाल रही है और जहां भी मिले तो ट्रैंकलाइज कर दे वो तेंदुओं को। दूसरी तस्वीर उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए आर्मी की सहायता ली गई है, या आर्मी ड्रोन है जिसकी सहायता ली गई है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 4 लोगों को कैसे पैंथर ने मौत की घात उठा रहा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा तहसील के छाली ग्राम पंचायत के 3 गांवों में पिछले 2 दिनों में तेंदुए ने अब तक 4 लोगों की जान ले ली है। ये चारों घटनाएं 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही हुई हैं। ये भी बहुत अहम बात है कि चारों जो घटनाएं हैं वो 2 से 3 किलोमीटर की ही दूरी पर हुई हैं, मतलब ये समझा जा सकता है कि ये जो तेंदुआ है वो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, वहीं पे गश्त कर रहा है। ऐसे में छाली ग्राम में आने वाले सभी गांवों में पंचायत ने अलर्ट जारी कर दिया है, प्रशासन और वन विभाग की तरफ से जंगल की तरफ अकेले ना जाने की ग्रामीणों से लगातार अपील की जा रही है। और हम आपको बता दें कि कैसे वन विभाग के 80 कर्मचारी मैदान में डटे हुए हैं। उदयपुर DFO अजय चित्तौड़ा ने बताया है कि पैंथर ने अब तक 4 लोगों को अपना शिकार बना लिया है।